आईफोन SE ये एक बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग फोन है एप्पल की तरफ से। पोलराइजिंग से मेरा मतलब है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा फोन है। काफी लोग इसको देख के बोल रहे हैं कि हम इसको लें या ना लें, इसकी बैटरी कैसी है, डिस्प्ले कैसा है, ओवरऑल फोन कैसा है, मतलब हमें हेल्प चाहिए, कुछ बताओ हमें उसके बारे में। तो वेट, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ, मैं इस फोन का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इसका बिल्ड, डिस्प्ले, जो भी मतलब आप ओवरऑल जितना भी आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप बने रहो वीडियो के एंड तक। मैं अभी शुरू करता हूँ वीडियो को। मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स। तो चलिए आईफोन SE का रिव्यू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपको ये फोन पसंद आता है और आप डिसाइड करते हैं कि मैं इसको लेने वाला हूं, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाके खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, चैनल की हेल्प हो जाएगी। अगर आप जाके ले सकते हैं तो बहुत अच्छा फील होगा मुझे। और दूसरी चीज, एक ज्वाइन बटन है नीचे, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, कुछ अलग अलग फीचर्स रहेंगे, आप जाके देखते हैं, नीचे ज्वाइन बटन है, उसको जाके क्लिक कर लीजिए। स्पेशल वीडियो भी है, मतलब एक आपकी एक्सक्लूसिव वीडियो रहेगी, आपकी एक्सक्लूसिव लाइव चैट्स भी रहेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल पे। आपको बस मेंबर बनना है, तो जाके आप चेक कर लीजिए, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे है। बट अभी के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन से इसके। तो बिल्ड एंड डिजाइन की अगर हम बात करें तो आपको एक छोटा फॉर्म फैक्टर देखने को मिलता है, स्मॉल कॉम्पैक्ट फोन जैसे कहते हैं, बिल्कुल छोटे स्क्रीन में आपको देखने को मिलते हैं सामने, और ओवरऑल वन हैंड इजीली आप यूज कर सकते हैं। बैक ग्लास का है, साइड जो है मेटल के हैं, मतलब फ्रेम जो है मेटल का देखने को मिलता है, जो कि मोस्टली नहीं देते हैं, कुछ कुछ फोन देते हैं ऑफकोर्स, बट कभी कभी आपको देखने को नहीं मिलता है, इवन इससे महंगे फोन्स में कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, बट इसमें आपको मेटल फ्रेम बैक ग्लास देखने को मिल रहा है। पीछे एक छोटा सा कैमरा बम्प है, जो कि आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नो डाउट। और ओवरऑल जो है ये इजी लाइट वेट है, इजी टू होल्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब इन हैंड फील बहुत अच्छा आता है। और छोटा फोन है, तो जिनके छोटे हाथ हैं या जो लोग बड़े फोन प्रेफर ही नहीं करते हैं, डेफिनेटली वो इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उनको फील ही नहीं होगा कि ये फोन उनके हाथ से कहीं जा रहा है या ऐसा कुछ। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत अच्छा डिजाइन है इसका, लेकिन ये डिजाइन 5 साल पुराना भी है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये आईफोन 8 का डिजाइन है जो आज तक एप्पल रीयूज करता आ रहा है। तो काफी लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। आप इंक्लूडेड हो या नहीं मुझे बताओ नीचे, अगर आप हो इंक्लूडेड तो नीचे जाके कमेंट कर दो #boycottapple, ताकि मुझे पता चले कितने लोग मेरे साथ हैं। अगर मैं इसको ऐसा सेकेंडरी फोन देखूं, हाँ मैं फिर इग्नोर करता हूं, क्योंकि यूजली ज्यादा काम आएगा नहीं, यूजली मैसेजेस के और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह के काम आएगा, उस केस में परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप इसको प्राइमरी फोन देखते हैं, और काफी लोग एज अ स्टेटस सिंबल लेते हैं, तो हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक पुराना डिजाइन बीच में आ जाता है। ये रेड कलर बाय द वे बहुत अच्छा है, इसके अलावा आपको आई थिंक व्हाइट या सिल्वर और एक ब्लैक देखने को मिलता है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये कुछ डिजाइन के बारे में था, आपको कैसा लगा, आप क्या प्रेफर करते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। बाय द वे इसके जो बटन है बहुत टैक्टाइल है, लाइक प्रीमियम फील बटन्स होते हैं, मुझे मैंने काफी एंड्रॉयड यूज किए हैं, उसके मुकाबले ये बटन्स काफी एक टैक्टाइल फील होते हैं डेफिनेटली। अलर्ट स्लाइडर भी बहुत टैक्टाइल है, काफी अच्छा काम करता है, ओवरऑल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डेफिनेटली जो बिल्ड है वो एक प्रीमियम बिल्ड है, जस्ट एक डिजाइन जो है वो पुराना है, और काफी लोगों के लिए डिजाइन बहुत मैटर करता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले का मेरा ऐसा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म फैक्टर में से एक है। आप पूरा दिन डिस्प्ले के सामने यूज करते हैं फोन को, आपको OTT प्लेटफॉर्म यूज करने है, YouTube चलाना है, बहुत कुछ चलाना है, तो उस केस में आपके लिए डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि फुल HD भी नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं पिक्सल पर इंच के बारे में नहीं जाऊंगा, दैट इज अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट, वो मुझे लगता है बेसलेस है। बट इसका जो रेजोल्यूशन है वो 768p है, एक HD रेजोल्यूशन 720p होता है, एक फुल HD रेजोल्यूशन वो 1080p होता है, और ये 768p है, जो कि फुल HD भी नहीं है। और इसमें LCD पैनल है, 40,000 का होने के बाद आपको यहाँ पे LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी एक बैकवर्ड स्टेप था एप्पल की तरफ से, जहां वो OLED की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे अगेन वो LCD दे रहे हैं आपको। बाकी ये सेगमेंट में कोई भी ऐसा फोन नहीं देखा मैंने जो LCD के साथ आता है, सब के सब मतलब 99% फोन जो है यहाँ पे AMOLED के साथ आते हैं, जो कि एक अलग लेवल की स्क्रीन है, और एटलीस्ट फुल HD स्क्रीन के साथ आता है, ये तो वो भी नहीं है। तो अगर आप इसको कंटेंट कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, अगर आप Netflix, Amazon Prime, YouTube या उस चीजों के लिए ले रहे हैं, एक तो इसका स्क्रीन साइज छोटा है, ऊपर से वो फुल HD नहीं है, ठीक है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्रीन साइज छोटा है, ऑफकोर्स आपको फुल HD का इतना फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन एक शार्पनेस जो है वो कम हो ही जाती है। तो डेफिनेटली ये एक कंटेंट कंजम्पशन डिवाइस नहीं है, आपको किसी भी एंगल से छोटी स्क्रीन, बड़े बेसल्स और लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले
डिस्प्ले में मतलब जाना नहीं चाहिए। ये आप एज अ सेकेंडरी फोन अगेन यूज कर सकते हैं, बट इसको आप मेन फोन जो आप अपना यूट्यूब देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, उसके लिए मत यूज कीजिए, किसी भी काम का नहीं है। अगर आप फिर भी यूज करना चाहते हैं वो तो आपके लिए है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा आप यूज मत कीजिए। मैंने यूज किया, मैंने पूरा ट्राई किया कि इंजॉय करूं, बट मेरे पास जो फोल्ड है उसकी अलग ही लेवल की स्क्रीन है। इवन मैंने Redmi Note 11 Pro Plus की स्क्रीन देखी, वो मुझे इससे ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि एक तो वो बड़ी थी और दूसरी वो फुल HD तो थी साथ में। तो अगेन ये चीजें मैंने आपको बतानी थी, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट कंजम्पशन फोन स्क्रीन पे। रही बात जो स्पेसिफिकेशंस है, इसमें आपको YouTube पे 4K सपोर्ट मिल जाता है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स HD में चलते हैं, आई थिंक वाइडबैंड L1 भी होना चाहिए, मुझे दिखा नहीं उस पर कुछ। HDR VHDR तो भूल जाओ, वो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ब्लैक्स डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा OLED लेवल है या इवन बहुत ज़्यादा ब्लैक है, बट डेफिनेटली LCD के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फ़ोन डिसेंट है स्क्रीन के मामले में, बट 40,000 का होने के बाद ऐसी स्क्रीन देना मुझे बिल्कुल यहाँ पे समझ नहीं आया। अगर ये कहीं पे 25,000 का होता ना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सेंस बना लेता कि बाकी चीज़ें अच्छी है, या इवन 30-35 का भी होता मैं समझ लेता, लेकिन आपको ये 44 का मिल रहा है, 10,000 ज़्यादा, 40 के ऊपर LCD स्क्रीन देना मेरे लिए इनएक्सक्यूजेबल है। बट आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन जो कि है हार्डवेयर। हार्डवेयर में इसका मैं कहूंगा बहुत ही कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको A15 बायोनिक देखने को मिलती है, जो कि लेटेस्ट फ्लैगशिप चिप है एप्पल की। जी हाँ, लेटेस्ट फ्लैगशिप चिप देखने को मिल रही है आपको इसके अंदर, जिसका मतलब इसकी डे टू डे परफॉर्मेंस एब्सोल्यूटली बेस्ट है। मैंने इस पर गेमिंग की, COD मैंने काफ़ी खेली इस पर, मैंने डे टू डे टास्क किए, मैंने ओवरऑल इसको एज अ प्राइमरी फोन यूज़ किया पेमेंट्स के लिए, नेविगेशन के लिए, थोड़ा व्हाट्सएप नहीं चलाया मैंने क्योंकि मेरे को पैसे नहीं खर्चने थे चैट से दूर दूर करने के लिए। उसको छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें इस पर ट्राई की है, ऑफकोर्स स्ट्रीमिंग वगैरह भी की है। ओवरऑल मैं कहूँगा इससे बेस्ट परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में मैंने अभी तक नहीं देखी। फ्लूइड मोशन सिर्फ एक, हाँ 60Hz है क्योंकि ये, तो वो उसके मुकाबले मुझे लगा कि 120Hz वगैरह जो है वो ज़्यादा बेटर होता है इस केस में, जैसे कि बाकी आईफोन्स या एंड्रॉइड में है, लेकिन 60Hz भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से चला, जो कि मुझे ऐसा लगा कि एज अ 90Hz स्क्रीन के कंपेरेबल लगा। ऑफकोर्स नहीं है 90Hz, बट एप्पल का ऑलरेडी काफ़ी स्मूथ मोशन है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और कहीं पे भी कोई ग्लिचेस, कोई लैग कुछ नहीं देखने को मिला। एक आध बारी इंस्टाग्राम थोड़ा सा हैंग हो गया, तो ये मुझे आपको बताना था, मुझे नहीं पता कि वो इंस्टाग्राम का इशू है या क्या है, बट आई थिंक आईफोन्स में होते ही इंस्टाग्राम लैग हो ही जाता है। बाकी कोई ऐप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, फेसबुक, ट्विटर या कुछ भी सोशल मीडिया का। इवन मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे कैनवा ट्राई किया था, हालांकि छोटी स्क्रीन है तो मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, वो हाथ ही नहीं फिट आ रहे थे मेरे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला आपको। और ओवरऑल मैं कहूँगा गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसकी वन ऑफ द बेस्ट है, मैं कहूँगा 40,000 में ये बेस्ट गेमिंग फोन है पीरियड। मुझे इससे अच्छा गेमिंग फोन नहीं मिला। बस एक चीज़ है, मेरे हाथ बहुत बड़े हैं तो मेरी स्क्रीन जो है कवर हो रही थी मेरे खाली अंगूठों से। अगर आपके हाथ मेरे जितने ऐसे राक्षस जैसे हाथ नहीं है मेरे जैसे, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। प्लस आपको यहाँ पे बेस्ट 60fps लॉक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मैंने जेंशन नहीं ट्राई की इस पर, बट आई थिंक जेंशन इंपैक्ट भी इस पर काफ़ी अच्छे से चलती है, तो अगर आप वो गेम के फैन है तो वो भी आप खेल सकते हैं, पबजी वगैरह तो ऑफकोर्स चलेगी। एक चीज़ मैं कह दूँ, ये A15 बायोनिक जो है ना, ये मुझे इसका यूज़ केस कहीं दिखा नहीं। मैंने जैसे आपको बताया मैंने कैनवा यूज़ किया, मुझे उस पर हाई एंड चाहिए था, बट इतनी छोटी स्क्रीन के साथ मैं यूज़ भी नहीं कर सकता था इसको, ना ये किसी डिस्प्ले से कनेक्ट होता है, ना इसका कुछ ऐसे एक्सटर्नल कुछ यूज़ है। तो मतलब ये A15 सिर्फ आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, वो भी अगर आप खेल सकते हैं इतनी छोटी स्क्रीन पे, तो मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि इतने छोटे फ़ोन में मैं इतनी बड़ी परफॉर्मेंस चिप का क्या करूं, इससे अच्छा तो मैं जो पिछली A13 है वही क्यों ना यूज़ कर लूं, सेम फोन है सिर्फ एक परफॉर्मेंस बूस्ट है यहाँ। तो ये था इसके हार्डवेयर और परफॉर्मेंस के बारे में। नेक्स्ट थिंग, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये iOS 15.4.1 पे चल रहा है, बट मैं आपको सीधी सी बात कह दूं, iOS इज iOS। या तो आपको iOS बिल्कुल पसंद आने वाला है या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला, इतना पोलराइजिंग सॉफ्टवेयर है। मैं इस कैटेगरी में, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्यों वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ऐप ओपनिंग टाइम्स ऑसम, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लैग नहीं है, कुछ नहीं है, फ्लूइडली ऐप ओपन होता है, एकदम आपके सामने लोडिंग स्क्रीन आती है और ऐप ओपन हो जाता है। सेम थिंग विद गेम्स, सब कुछ फ्लूइड है, आप डे टू डे टास्क कर रहे हैं, ऐप स्विचिंग कर रहे हैं, एक ऐप से दूसरे ऐप में जा रहे हैं, कैमरा खोल रहे हैं, कुछ भी ओपन कर रहे हैं, एकदम फ्लूइड है। मुझे एंड्रॉइड्स में जिटर दिखते हैं, और ओवरऑल मैं कहूंगा यहाँ पे काफी एक सिंपलिस्टिक व्यू है इसमें। आप किसी को भी दे दो आईफोन तो वो आराम से यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं होगा उनको। सीखने में 2 मिनट ऐसे लगेंगे, जल्दी जल्दी वो सीख लेंगे, ज्यादातर 2-3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे और वो सीख लेंगे। आपके पेरेंट्स जो थोड़ा फोन यूज करने में प्रॉब्लम होती है, उनको एंड्रॉइड की जगह आईफोन देंगे तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, बट
इसके साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, जो कि मुझे ऐसे लगे कि एक आप नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी ग्रुप में नहीं करते। मैं बात भी नहीं करना चाहता नोटिफिकेशन से, मैं कितना इरिटेट हुआ, मुझे मेरे सामने इतनी नोटिफिकेशन खुल गई, एक ही ऐप की 10 नोटिफिकेशन खुल गई, उसको ग्रुप भी नहीं किया गया, उसको अलग से ओल्डर नोटिफिकेशन के अंदर ग्रुप कर दिया। ट्रू कॉलर नहीं चल रहा है, मुझे 100 फोन आते हैं स्कैमर्स के, या स्कैमर्स भी कहाँ कहूँ, जो लोन वाले हैं या कुछ भी हैं, मुझे अवॉइड करने होते हैं और मुझे पता नहीं चल रहा किसका फ़ोन आ रहा है, तो ये ट्रू कॉलर नहीं चलता है। उसके अलावा आप वॉलपेपर पे आइकन अरेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्यों? होम स्क्रीन का आपको ज़्यादा विजेट्स मिलते हैं यूज़ करने के लिए, जो कि मुझे लगा हाँ फाइन, ये विजेट्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, डायनामिक है विजेट्स, मतलब आपको सामने इन्फॉर्मेशन दिखती है, लेकिन आप उसको अच्छे से अरेंज नहीं कर सकते। कोई मेन्यू नहीं है, मेन्यू है भी तो वो एक क्लस्टर्ड सा मेन्यू है, सारे ऐप्स एक एक जगह पे, मैं अपने हिसाब से अरेंज नहीं कर सकता, तो मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मुझे एंड्रॉयड में नहीं देखने को मिलते हैं, और मैं यूज्ड टू हूँ, और मैंने सोचा था मैं आईफोन में यूज्ड टू हो जाऊँगा, iOS में यूज्ड टू हो जाऊँगा, तो मैं नहीं हुआ, मुझे अभी भी मिसिंग थे वो चीज़ें, ये कुछ बेसिक चीज़ें मेरे लिए मिसिंग थी। मैं एक एक्सपेंस ट्रैकर यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरे एक्सपेंस जो अपने आप ट्रैक हो जाते हैं मेरे मंथली बजट के, इसमें वो भी नहीं होता क्योंकि इसमें iOS ने परमिशन ही नहीं दी है मैसेजेस रीड करने की उस ऐप को, तो बेसिकली मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे मैन्युअली एंटर करने पड़ेंगे। मैं क्या बोलूँ इसके अलावा, तो ये चीज़ मेरे लिए मतलब मेरे पर्सनल यूज़ केस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हो सकता है आपको पसंद आया, आप iOS गैंग हो तो नीचे जाके #iOS गैंग लिख दो, एंड्रॉयड वाला #एंड्रॉयड गैंग, बट लड़ाई मत करना। एनीवे, तो अगर आपको पसंद आया फाइन, अगर आप ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इज फ्लूइड, सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस अगर आप छोड़ दें। बट नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं जो इसका काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक था, जो कि है बैटरी, और यस अभी भी वो डिबेटेबल ही है, तो चलते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी में आपको देखने को मिलेगा इसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है बैटरी, और क्योंकि एक एफिशिएंट चिप लगाई है A15 में, तो थोड़ा सा बैटरी टाइम बढ़ा है। एप्पल के कंपैरिजन में ये 2 घंटे बढ़ा है, लेकिन मैंने जो डे टू डे यूज़ किया मुझे रात तक चार्ज करना पड़ेगा, और अगर आप हैवी गेमिंग कर रहे हो, मैंने 87% से गेमिंग शुरू की थी और आई थिंक आधे घंटे में ये बैटरी 71-72% आ गई थी, या 73% आ गई थी, मतलब सीधा 10-15% का ड्रॉप हो ही गया ईजिली। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा फोन नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैटरी। अगर आप इसको फुल ऑन लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हैं नेविगेशन के लिए, या पूरा दिन वीडियोस देखना चाहते हैं, या आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको एक चार्जर साथ रखना पड़ेगा, और वो चार्जर भी आपको साथ में नहीं मिलता बॉक्स में अनफॉर्चुनेटली। यस, इसमें भी नहीं मिल रहा आपको चार्जर साथ में, तो आपको चार्जर लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, मैंने लगाया था फास्ट चार्जिंग पर, बट मुझे कुछ सपोर्ट दिखा नहीं, तो नॉर्मल 10 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है। हाँ, आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि फाइन, एक अच्छा सपोर्ट है आपके लिए, आप वायरलेस चार्ज कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन इसको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए था, और एटलीस्ट एक चार्जिंग ब्रेक तो होनी चाहिए इस फ़ोन के लिए, तो दे दो एप्पल भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। बट एनीवे, सीधी सी बात यह है कि ये बैटरी बीस्ट तो किसी भी एंगल से नहीं है। अगर आप इसको हैवी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक साथ में पावर बैंक या फिर अपना चार्जर रखना पड़ेगा, तभी आपका दिन निकलने वाला है इसमें। नेक्स्ट थिंग अब हम डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास के मामले में आपको इसमें कोई हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, आपको ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि डिसेंटली लाउड है, बेस अच्छा है। ये रहा स्पीकर सैंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स वन प्लस में ही है खाली, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आईफोन थोड़ा सा पीछे रह गया, हालांकि उसके अलावा आपको यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, जो कि मेरे लिए भगवान का दिया हुआ एक दूसरा वरदान है। मुझे वन प्लस में भी ये पसंद है और यहाँ पर भी पसंद है, आई डोंट नो बाकी कंपनीज क्यों नहीं लगा रही है, आई थिंक रियलमी आ रहा है उसके साथ, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अलर्ट स्लाइडर। साथ में आपको देखने को मिलती है IP67 रेटिंग, जो कि इस सेगमेंट में बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, मैं नहीं कहूंगा नहीं देखने को मिलती है, बट बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी जेस्चर्स, जैसे कि अगर आप पीछे करेंगे तो ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी, तो ये कुछ जेस्चर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, और आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। सिंगल सिम सपोर्ट करता है, नो एसडी कार्ड कुछ नहीं है, तो अगर आपको आपको एक स्टोरेज वेरिएंट लेना है तो आप एक ही वारी लो, मैं रिकमेंड करूँगा 128 GB लो, 64 GB कुछ भी नहीं है इसमें, और अगर आपको इसमें एसडी कार्ड डालना है तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। हाँ, इसमें आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा है, और कॉल क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मुझे कहीं ड्रॉप देखने को नहीं मिला, मेरे इस एरिया में काफ़ी लो सिग्नल है, फिर भी कोई इशू नहीं है देखने को। और जो फिंगरप्रिंट है वो तो फ्रंट फेसिंग फिंगरप्रिंट है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, मुझे कोई इशू नहीं लगा। एनिमेशन स्लो है, लेकिन फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एक्यूरेट है, मैं कुछ भी करूँ
किसी ना किसी तरीके से किसी भी एंगल से वो पकड़ ही लेता है। तो ये कुछ फीचर्स थे, एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी हुई हेडफोन जैक, बट ओवरऑल कोई इशू नहीं लगा, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर सेट है इसमें। अब चलते हैं हम इसके फाइनल और लास्ट थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद आप सब वेट कर रहे हैं, कैमरा। अब कैमरा के लिए मैंने इसको कंपैरिजन पूरा एक डाला हुआ है चैनल पे, जो कि OnePlus 9RT के साथ है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप वो कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये रहा कार्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही होगी, जाके आप देख सकते हैं। आपको बहुत एक विचित्र सा यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन देखने को मिलेगा। एक चीज मैं कंप्लेन करना चाहूंगा, इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, इवन टेलीफोटो तक नहीं है, सिंगल कैमरा देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि 40,000 के फोन में आप एक एक्स्ट्रा कैमरा भी नहीं दे रहे हो। ये लास्ट टाइम मैंने कभी देखा भी नहीं है एक कैमरा कब आया लास्ट 3-4 साल में, मतलब बेसिकली एक मैक्रो कैमरा भी दे देती है कंपनी उठा के, लेकिन इन्होंने वो भी कष्ट नहीं किया। अल्ट्रा वाइड छोड़ो, इन्होंने टेलीफोटो तक नहीं दिया, वो चीज मुझे खटकी। बट जो कैमरा क्वालिटी है मेन कैमरा से, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बहुत ही ऑसम वीडियो क्वालिटी है, बहुत ही ऑसम फोटो क्वालिटी है। मैं कहूंगा ये लिटरली जो लोग कहते हैं ना रिलायबल कैमरा, ये डेफिनेटली एक रिलायबल कैमरा है। अगर मैं इसको ऐसे सेकेंडरी फोन रखूंगा तो मैं इसलिए रखूंगा कि कल को मुझे कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन को देखना होगा, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फोटो खींचनी होगी, मैं इसको निकाल के लूंगा। हालांकि इसमें नाइट मोड नहीं है तो नाइट फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने कैमरा कंपैरिजन किया, वहां जाके देख लो। एनीवे, तो ये था कैमरा के बारे में, और इन्फॉर्मेशन चाहिए कैमरा का कंपैरिजन ऊपर कार्ड आया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। देखो भाई, ये फोन जो है बहुत ही, अगेन मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूजिंग है। आपको फुल ऑन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, हाई एंड परफॉर्मेंस, हीटिंग इशू भी नहीं है मैंने जब गेम्स खेला था, लेकिन ये फोन एक पुराने डिजाइन में आता है, स्क्रीन इसकी उतनी अच्छी नहीं है, बैटरी लाइफ इसकी डिसेंट एवरेज है एट बेस्ट। तो ये फोन किसके लिए है? मैं कहूँगा एक जिसको शो ऑफ करना है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका ऑलरेडी एक साइड एंड्रॉयड फोन है, ये एज अ सेकेंडरी फोन यूज करना चाहता है दिखाने के लिए, या कोई लिटरली इसको सेकेंडरी फोन की तरह यूज करना चाहता है। जैसे कि अगर मेरे पास फोल्ड है तो मैं इसको एज अ सेकेंडरी फोन रखना चाहता हूँ, जिसमें ये एक अच्छे कैमरा का काम करेगा, अच्छे स्पीकर का काम करेगा, और ओवरऑल ऑफकोर्स कॉल क्वालिटी एंड एवरीथिंग जो कि बहुत अच्छी से यहाँ काम करेगी, और साथ में ऑफकोर्स एक एप्पल लोगो होगा साथ में, तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो। लेकिन एज अ प्राइमरी फोन मैं इसको बहुत बहुत कम यूज केस में देख रहा हूँ, मतलब मैं उस केस में देख रहा हूँ जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैमरा यूज़ करते हैं, वो भी उनको अगर अल्ट्रा वाइड नहीं चाहिए या मतलब टेलीफोटो नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ जो लोग गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, मतलब उनको बेसिकली गेमिंग फ़ोन चाहिए लेकिन 40,000 में उनको एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, या फिर लोग अंधा iOS से प्यार करते हैं, उनको एक इकोसिस्टम बनाना है और सबसे सस्ता आईफोन लेना है, जो कि अभी इस टाइम पे लेटेस्ट अगर देखा जाए तो यही है। तो उन लोगों के लिए प्राइमरी फोन है, बट एट बेस्ट ये एक सेकेंडरी फोन है। अगर आप इसको ऐसे सेकेंडरी फोन लेना चाहते हैं, लो, मैं डेफिनेटली इसको सेल करने वाला हूँ, मेरे पास सेकेंडरी फोन लेने के पैसे नहीं है। अगर आप ज्वाइन बटन पे नीचे आके क्लिक करोगे तो शायद मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे इसका कवर अप हो जाए जब मैं इसको सेल करूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हेल्प कर लो चैनल के नीचे ज्वाइन बटन पे जाके क्लिक करके देख लो अपने हिसाब से। बट यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये एक सेकेंडरी फोन रहेगा, प्राइमरी फोन उन लोगों के लिए जो शो ऑफ या स्टेटस सिंबल की तरह लेना चाहते हैं, या सिर्फ गेमिंग और सिर्फ कैमरा के लिए लेना चाहते हैं। ये मेरा वर्डिक्ट था। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है नीचे जाके कमेंट कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, डिसलाइक करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर आपको स्पेशल फीचर्स चाहिए, स्पेशल मेरे से कुछ वन ऑन वन चैट करनी है, तो वो भी ज्वाइन बटन में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आपको कौन सा चूज करना जाके चूज कर लो। बट अभी आपको इसका अगर कैमरा कंपैरिजन देखना है तो ये आ रहा है कार्ड यहाँ पे, अगर आपको OnePlus 9RT का रिव्यू देखना है तो यहाँ पे आ रहा है, और ये दो चैनल्स आ रहे हैं शॉर्ट्स और नॉर्मल शॉर्ट्स पे आ जाएंगी वीडियो, टेंशन मत लो, बट सब्सक्राइब करके रख लो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।